ग्वालियर के स्नेहालय ट्रस्ट से जुड़े आश्रम में बोलने और सुनने से लाचार एक युवती के साथ हुई वारदात का दंग करने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आश्रम में न सिर्फ युवती से रेप हुआ बल्कि गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को युवती के गर्भवती होने की जानकारी ट्रस्ट संचालक को लगी और फिर आनंद फानंद में 19 सितंबर को इस स्नेहालय आश्रम में ही उसका गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद भ्रूण को आश्रम परिसर में जला भी दिया गया। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से गुरुवार को इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिस पर बिलोवा थाने की पुलिस ने गुरुवार को ही देर रात कार्रवाई करते हुए आश्रम के संचालक डॉक्टर वी के शर्मा को पत्नी समेत 6 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में शर्मा दंपति समेत 9 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और सबूत छिपाने का मामला दर्ज किया गया है। स्नेहालय करके एक केंद्र है जहाँ पर बच्चे रहते हैं। वहाँ सूचना थी कि कोई एक बच्ची के साथ में एक घटना हुई है। उसके पश्चात जब टीम ने पूछताछ की और आगे बढ़े तो काफ़ी महत्वपूर्ण सुरागात लगे, तो बिलौवा थाने में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। कुछ आरोपी पकड़े भी गए हैं, विवेचना की जा रही है। महिला अधिकारियों को टीम में शामिल किया गया है और कलेक्टर साहब से चर्चा करके विशेष टीम गठित करके बाकी बच्चों को मेडिकल कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। आश्रम का संचालक वी के शर्मा काफी रसूखदार माना जाता है, जिसके चलते पुलिस पर इस मामले में आरोपी को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप भी लग रहे हैं। यही नहीं, शर्मा के इंग्लैंड और अमेरिका में रहने वालों के साथ संपर्क की बात भी सामने आई है। इस स्नेहालय के लिए वो विदेशी फंड भी लेता है। बहरहाल पुलिस इन सब की पड़ताल में जुटी है, जिसके बाद और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है।